जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, ठीक ठाक बिल्कुल। आज मैं रहमान फाउंडेशन में आया हूँ और रंगीला साहब के हवाले से भी बातचीत करेंगे, पर यहाँ पे जो आप डायलिसिस के हवाले से काम कर रही हैं ज़रा उस हवाले से थोड़ा बता दें। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है, मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो हम आगे भी जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको बताएँगे, पर इस हवाले से थोड़ा बताएँ कि यहाँ पर किस किस्म का इलाज किया जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमेशा से आपने हमेशा पॉजिटिव ही लोगों को मैसेज दिया है और जिसमें लोगों को फ़ायदा हासिल हो, लोग कुछ सीख सकें और लोगों के बारे में पहचान करवाना, यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी पहचान करवाना, को ट्रिब्यूट दिलवाना, और ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। इस वक्त आप जिस अदारे में मौजूद हैं ये है रहमान फाउंडेशन, फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल है ये, और इसकी 8 ब्रांचेस हैं और ये लाहौर में इसका हेड ऑफिस ये मॉडल टाउन में है। और डायलिसिस के नाम से सब वाकिफ़ हैं। डायलिसिस जो एक बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम है लोगों के लिए जिनके गुर्दे फेल होते हैं, उनको इनके डॉक्टर्स जो है ना रिकमेंड करते हैं उनका डायलिसिस, यानी कि चले जाते हैं। किसी का ट्रांसप्लांट होता है, जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता उनकी जो उनकी हेल्थ के मुताबिक, और उसमें फिर जो है ना वो जो लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं तो ज़िंदगी मौत से ही खेल रहे होते हैं। बहुत मुश्किल टाइम होता है जब वो मरीज़ों के डायलिसिस हो रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत महंगा इलाज है, जो कि एक हफ़्ते में 2 या 3 बार यानी कि मरीज़ों का किया जाता है, और ये हमारी खुशकिस्मती समझें, अल्लाह ताला की तरफ से हम पर बड़ी मेहरबानी है कि हम लोग 90% बल्कि 95% हम लोग मरीज़ों का फ्री डायलिसिस करते हैं, और जो 5% जो लोग रह जाते हैं वो हमें जो है ना हमें यहाँ पर आकर कहते हैं कि हम लोगों ने फ़ीस अदा करनी है, लेकिन जो फ़ीस वालों को हम लोग परेशान नहीं करते। जो लोग यानी कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो सही मायने में सफ़ेद पोश है और ज़िंदगी और मौत से खेल रहे होते हैं, अगर इनका डायलिसिस रुक जाए तो इनकी जो है ना वो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एज़ आ डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही हूँ, और मेरे वालिद साहब जो आप सब जानते हैं फिल्म स्टार रंगीला मरहूम, वो भी डायलिसिस पेशेंट थे, लंग्स लिवर का प्रॉब्लम था, और मुझे पता है कि ये क्या तकलीफ़ है और जो मरीज़ है वो किस तकलीफ़ से गुज़रता है। और मुझे बहुत सुकून मिलता है कि जब मैं इन मरीज़ों के साथ होती हूँ या इन मरीज़ों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर होती हूँ, और मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं बहैसियत इंसानियत की खिदमत कर रही हूँ। बहुत बड़ी बात माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बातें की, और अब आप ज़रा मशीन्स दिखा दें और जो पेशेंट्स वगैरह हैं। जी बड़ी कंफर्टेबल सी जगह है जी, यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें। रहमान फाउंडेशन है, आप ज़रा आप साथ साथ आ जाएँ पेशेंट के। ये हमारा स्टाफ जो है वो हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ है यहाँ की सफाई, यहाँ का बहुत, और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, और मरीज़ों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो हर वक्त जो है ना स्टाफ यहाँ मौजूद होता है। और ये दूर दराज से ये लोग होते हैं, सिर्फ लाहौर से नहीं होते, जिनके अपने शहरों में यानी कि ये सहूलियात नहीं है और वो यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी कि बेड नहीं मिलते, तो ये सारी चीज़ें तो उसमें जो है ना हम लोग इन लोगों का वो करते हैं। और दिन में 2 शिफ्टें होती हैं, लेकिन डायलिसिस इतना ज़्यादा हो गए हैं मरीज़ कि हमें 2 से 3 शिफ्टें भी हमें लगानी पड़ जाती हैं, और जो है बस अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग इसको तकरीबन 8 ब्रांचेज़ हैं। हमारा लाहौर में है, फैसलाबाद में है, झेलम में है, कराची में है, और सियालकोट में है, सराय आलमगीर में है, और पिंडी में, इस्लामाबाद में है माशाल्लाह। और अभी जो हमारे आगे जो हमारे यानी कि सेंटर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं हरीपुर वाली साइड पे, अपनाबाद वाली साइड पे, पेशावर वाली साइड पे, तो उस साइड पे भी हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना उसके ऊपर। अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो ये डिज़ास्टर आया है जो कि हमारे मुल्क में जो फ्लड रिलीफ कैंप लगे हैं और जो आफत आई हुई है उसमें भी रहमान फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मॉडल टाउन में हमारा कैंप था और जो है हम लोगों ने उसको किया, सारा ऑर्गेनाइज़ किया और वो अलखिदमत फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोगों ने वो सामान जो है ना उनके हवाले किया, उनके हवाले किया ताकि वो सही तरीके से, अलखिदमत फाउंडेशन यानी कि बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हमने कहा कि सही मायनों में पहुंच जाए जो ज़रूरतमंद लोगों के तहत, तो फिर उनके हवाले हम लोगों ने किया। और हम जो इनके साथ जो लवाहकीन आते हैं ना वो इतने, मैं कहती हूँ कि आप लोग जब कोई भी विज़िट करना चाहे यहाँ पर इस हॉस्पिटल में या आना चाहे देखना चाहे, तो जब आप इन मरीज़ों से ख़ुद बात करेंगे ना तो आपको इनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई हो। ये दुखों के साथ बीमारियाँ होती हैं, ये परेशानियाँ होती हैं, सारी चीज़ें, तो इसलिए जब भी वक्त मिले, जब भी आप लोग अपनी ज़िंदगी की मामलात और ज़िंदगी की मसरूफियात के साथ आप लोगों के साथ लोगों की मदद करें। अगर आप एक रुपया कमाते हैं तो उसमें से 4 आने लाजमी किसी के लिए रखें, क्योंकि आजकल हालात ये हैं कि हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये बीमारियां जो होती हैं ये दुखों के साथ ही चलती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहना है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहनी है, अपनी रास्ते की रुकावटें ख़त्म करनी हैं, तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। जब आप बेहिसी ख़त्म करेंगे, जब आप इंसानियत की खिदमत करेंगे, जब आप लोगों में कोशिश करेंगे कि आपकी वजह से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आए, और ये सदका जारिया है और ये काम करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अब ये बेहिसी ख़त्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें क्या नज़र नहीं आता, जब कोरोना आया, डेंगू आया, कोरोना आया और हम लोग जो है हम लोगों को अभी भी नहीं पता चला। अभी जो डिज़ास्टर आया है, आधा पाकिस्तान हमें इतना नुकसान हुआ है, ये आपको पता है कि 5-6 महीने तक ये जो मामलात चलने हैं, पानी कैसे निकलेगा, वो लोग अपने घरों की तरफ कैसे जाएंगे, घर कैसे बनेंगे, औरतें हैं, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, कितना का उनको रिलीफ कैंप होंगे, कितना के उनको यानी कि चीज़ें दी जाएंगी, सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं दिए जाएंगे ना। इसलिए उनका प्रॉपर वे जो है ना वो भी होना चाहिए कि उनके लिए कोई निमल बदल, उनके लिए जगह गवर्नमेंट लेवल पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर उन लोगों का, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि मेरी इस वक्त जो फ़ौरन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है आप लोगों से बात करते हुए, कि इन लोगों को आर्जी तौर पर कहीं पर इनको अकोमोडेट किया जाए और इन मेजॉरिटी जितना हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं और स्टेडियम्स हैं बहुत सी ऐसी, वहाँ पर उनके आर्जी तौर पर उनकी रिहाइश बनाई जाए और उसके बाद फिर उन लोगों के ऐसी जगहों पर यानी कि जगह बनाई जाए उनके लिए रहने के लिए जहाँ पर ये वाली जो ये इस आफत से थोड़ा सा यानी कि गैप हो, ऐसी जगह उन लोगों को वो कितना का वहाँ पर जा के देखें, वहाँ पे विज़िट करें, कि मेरे ख्याल से कि इन लोगों को आर्जी तौर पर किसी ना किसी जगह एडजस्ट किया जाए जितना हो सकता है और इनके रहने का इंतज़ाम किया जाए और फिर इन लोगों को वापस भेजा जाए। जैसे देखें ना, एक बात है, जैसे कोरोना में स्कूल्स बंद हो गए, अदारे बंद हो गए, तो वो एक बहुत बड़ी आफत थी। ये भी आफत है, इसमें भी लोगों की अमवात हुई हैं, इसमें भी लोगों के घर उजड़े हैं, इसमें भी लोग बेघर सड़कों पे सो रहे हैं, जो हालात हैं, जो मामलात हैं। तो मैं जो सोचती हूँ कि अगर गवर्नमेंट लेवल पर इन लोगों के लिए इस किस्म की एडजस्टमेंट की जाए और फिर इनके लिए जो जो भी गवर्नमेंट कर सकती है, इनके घर बनाए जाएं जिस लेवल पे भी बन सकते हैं, उसके बाद इनको वापस भेज दिया जाए, कुछ अरसे के लिए इनको बुलाया जाए, ताकि ये जो हालात हैं और ये जो परेशानियां हैं ये हम लोग मिल के बाँटें। इसमें हम लोग सारे अदारे खड़े हैं, सारी NGOs खड़ी हैं, फ़ौज खड़ी है और ऐसी अच्छे अच्छे यानी कि अदारे जिन्होंने काम किया है, सही मानों में काम किए जो कि नज़र आया सबको, तो साथ खड़े हैं हुकूमत के साथ। इसलिए ये हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दें। आप माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रही हैं और आपके पूरे स्टाफ के लिए और आपके लिए बेस्ट विशेस और बहुत सारी दुआएं। रहमान फाउंडेशन में हैं आप? जी जी। वो भी जो आपकी जो दूसरी जो जगह है वहाँ पे भी जाएंगे? जी जी। यहाँ पे जो आपके वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास ज़रा चलते हैं। जी जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा स्टाफ है, हमारा जो अकाउंट्स का है और जो है वो यहाँ पर हमारे चेयरमैन साहब, रहमान फाउंडेशन फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं बानी है, और वो यहाँ पे तशरीफ़ हैं। इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं और जो है ना वो मरीज़ आए हुए हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, लाहौर से, बाहर से भी, तो अभी इनसे थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। मैं इस वक्त अपने डायरेक्टर जो हमारे रहमान फाउंडेशन की जो बानी है, हमारे चेयरमैन और 7 से 8 ब्रांचेज़ हैं इनकी और इनके पूरे पाकिस्तान में, और फ्री डायलिसिस हॉस्पिटल है जो कि रन कर रहे हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मैं डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ के साथ काम करती हूँ एज़ अ डायरेक्टर की हैसियत से, और बहुत सुकून है, बहुत आराम है। जिस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, जिस तरह उनके डायलिसिस होते हैं और जिन हालात में वो होते हैं, और जो जब मैं आई थी तो 5-6 ब्रांचेस थी, 5 से 6 ब्रांचेस ही। मुझे 4 साल हो गए हैं इस अदारे के साथ, और ऐसी बरकत है और ऐसा यहाँ पर सही मायनों में जिसको एक खिदमत कहते हैं वो मैंने देखी यहाँ पर। तो मेरे होते हुए आज 3 ब्रांचेस का इजाफ़ा हुआ है, और इसके अलावा भी 2-3 ब्रांचेस ये हमारे चेयरमैन साहब ख़ुद बताएंगे कि कैसे रहमान फाउंडेशन कैसे जा रहा है और कब से स्टार्ट हुआ है, और आगे मज़ीद जो रहमान फाउंडेशन की जो तरक्की है, अल्लाह ताला जो रास्ते दे रहा है, जो बरकत डाल रहा है, वो हमारे चेयरमैन साहब बताएंगे। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मुश्किल काम, एक ऐसा महंगा इलाज जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, गुर्दे वाश करवाते हैं जो लोग, और ब्लड साफ़ करना एक महंगा इलाज है, मुश्किल है। बहरहाल उस पर हम काम कर रहे हैं और सब 20 साल से, और इस वक्त हम लाहौर में, फैसलाबाद में, जेलम में, इस्लामाबाद में, कराची में, सरायलमगीर में, सियालकोट में, पेंसरा में फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। 8 सेंटर हमारे चल रहे हैं और रोज़ाना तकरीबन 125 लोगों का डायलिसिस होता है और फ्री होता है। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हम अपने माशरे में, अपने पाकिस्तान के अंदर, अपने आवाम के अंदर हम कर रहे हैं खिदमत का काम। नो डाउट एक मुश्किल काम है डायलिसिस सेंटर बनाना और फ्री चलाना, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक बहुत बड़ी रकम का ख़र्चा आ रहा है, तकरीबन 8 से 9 मिलियन का ख़र्चा आता है हर माह, लेकिन अल्लाह ताला को रास्ते भी बना देते हैं। और ये लोगों की दुआएं भी हमारे साथ होती हैं जिनका हम डायलिसिस फ्री कर रहे होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कावश है जो हम पाकिस्तान के अंदर, अपने लाहौर के अंदर, जैसे अभी आपका डायलिसिस हो रहा है, इनका फ्री डायलिसिस हो रहा है हमारे पास, और ये इनका इलाज भी होता है मेरे से। मैं जो OPD करता हूँ, डायलिसिस को डिले करता हूँ या रोकता हूँ, एक बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला हमसे ले रहे हैं। तो डायलिसिस सेंटर के वाले से फ़िलहाल हम बात करेंगे कि 3 नए सेंटर अल्लाह ताला और बनाने का मौका दे रहे हैं, हरीपुर के अंदर, पेशावर के अंदर और कोयटा के अंदर। इंशाल्लाह ये 3 नए सेंटर बनने वाले हैं। 2 बिल्कुल पाइप लाइन में, अगले माह की ओपनिंग हो रही है पेशावर की और हरीपुर की, कोयटा की इसके बाद की बारी है। ये 100 सेंटर बनाने का ख्वाहिश है मेरी, मेरे गोल हैं, मेरे टारगेट हैं, और मैं इसमें इंशाल्लाह अल्लाह से भी बदन मांगता हूँ हमेशा और लोगों से भी दुआ करवाता रहता हूँ। इसमें हमारी फराह साहबा हमारे लिए ऑनर हैं, बड़ा नाम, बड़े बाप की बेटी, हमारे अदारे की डायरेक्टर, इनकी भी काविशें साथ शामिल हैं, और इसी तरह हमारी टीम है और भी माशाल्लाह मिलके ये सारा काम कर रहे हैं और अपनी वापसी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह हमारा कबूल फरमाए। ये हमारा फाउंडेशन का जो आपने विज़िट किया होगा या सेंटर देखा होगा लाहौर का, इसी तरह ये मेरा OPD है, ये मेरा ज़ाती इदारा है, रेमान हेल्थ केयर सेंटर। यहाँ पे मैं इलाज करता हूँ और मैं यहाँ पे डायलिसिस को डिले करता हूँ, लोगों के डायलिसिस को रोक भी लेता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है हमारी एक पेशेंट यहाँ बैठी हुई अभी गई, औरत लेडीज़ गई हैं जिनको 12 साल हो गए हैं, डायलिसिस पे नहीं जाने दिया, अभी माशाल्लाह उनके डायलिसिस रुके हुए हैं। कोई जैन भाई 1.5 माह हो गया मेरा ख्याल, 2 माह हो गए हैं। अब डायलिसिस का रुकना एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा ये कोई अपना अल्लाह ने कोई ऐसा फार्मूला दिया है जिससे मैं ये काम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी ऑनर है मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, कि अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया है, दुनिया को एक नई रिसर्च पे मैं ला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे डायलिसिस को डिले कर सकते हैं 20 सालों के लिए। तो ये नई रिसर्च को दुनिया में आने लगी इंशाल्लाह। तो ये मेरे लिए भी ऑनर है और हम सब के लिए ऑनर होगी, पाकिस्तान के लिए भी, कि ये वो ऐसा मर्ज़ जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं है। तो पाकिस्तान से एक हर्बल डॉक्टर ने ढूँढा इस इलाज को और 50 बंदों का डेटा लिया उन्होंने, हार्वर्ड वालों ने मुझसे कि हमें 50 बंदों का डेटा दें जो आपने ठीक किए हैं, जिनका डायलिसिस को डिले किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 50 बंदे उनको दिए हैं, जिसमें 15 बंदों को वो चाहते हैं कि हम लेके जाएंगे अपनी रिसर्च के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह करे जो ये काम कर रहे हैं इसको अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी वापसी के लिए अच्छी हो जाए, और जो भी मुस्तक लोग हैं उस आएँ। ये अदारा हाज़िर है, जहाँ जहाँ डायलिसिस सेंटर बने हुए हैं, कोई फ्री डायलिसिस करवाना चाहिए तो हमारा ये सेंटर हाज़िर है। हम बताता चलूँ कि हम इस वक्त हेल्थ कार्ड पे नहीं अभी तक आए, हम 20 साल से काम कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड पे आना हमारा हक है, लेकिन ये बड़े बड़े नाम नहीं मैं लेना चाहूँगा इस वक्त, जो पहले ही प्राइवेट लोगों से लाखों रुपए लेते हैं और उनका इतना बिज़नेस के तौर पे काम हो रहा है, वो सब हेल्थ कार्ड पे आए हुए हैं। और हमारे जैसे अदारे जो एक खिदमत का जज्बा रखते हैं, तो हमें पैनल पर नहीं हम आए। अल्लाह करे हम आना चाहते हैं, वो मैडम फराह कोशिश कर रही हैं इस सिलसिले में भी। तो बहरहाल हमें मौका, हम जैसे अदारों को आगे आना चाहिए, और हम ये काम अपनी मदद आपके तहत खुद ही चला रहे हैं, बग़ैर गवर्नमेंट की। हमें थोड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान बैतुल माल की, लेकिन बाकी जो मुखय्यर ज़रात हैं, और मैं यहाँ पे अब पैगाम देना चाहूँगा कि जो मुखय्यर ज़रात लोग हैं जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो इस अदारे का ज़रूर साथ दें, आएँ, विज़िट करें, रहमान फाउंडेशन को विज़िट करें, लोगों से मिलें जिनका डायलिसिस फ्री हो रहा होता है, और अपनी दुआओं में भी याद रखें और अपना इसमें कंट्रीब्यूशन डालें। इसमें सदका, ज़कात, ये अदारा जो रहमान फाउंडेशन है सही हकदार है। ये डायलिसिस के मरीज़ जो हैं बड़े मुश्किल लोग हैं, इनका साथ दें ताकि इनकी सांसों को और बढ़ा सकें हम, जो दुनिया में जब तक हैं वो। अल्लाह हम सबको आमीन नसर हो।